The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, ka, friends. I am Doctor Paramjeet. You are Doctor Education. Friends, today we will cancer or cancer causing. सब्सटैसे ऑल्सो कॉल्ड एज कारसिनोजन सो ऐसे सब्सटैंसेस ऐसी चीजें जो कैंसर बन जाती हैं बना देती हैं नॉट रियली बन जाती हैं विच कैन लीड टू कैंसर एंड दे आर अराउंड यू दे आर अराउंड योर होम इन द हाउस इन द फूड अराउंड योर वर्क एवरीवेयर यस 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 सो सम काइंड ऑफ फूड कुछ तरह के खाने पीने की चीजें भी कैंसर आगे चल के आपके चांसेस बढ़ा सकती हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एस कार्सिनोजन सो सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट की वट आर द कॉमन कार्सिनोजेंस अराउंड यू और उसके उसका क्या मतलब होता है जो आप डेली खा रहे हैं फिर हम कहते हैं कि सर जी मुझे कैंसर कैसे हो गया मैंने क्या किया था राइट right. तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्सिनोजेंस uh, और का मतलब क्या होता है समथिंग दैट माइट कॉज कैंसर इट डजन ऑलवेज कॉज कैंसर बट इज समथिंग दैट कॉजेज कैंसर कार्सिनोजेन मीन्स समथिंग स्टिमुलेट्स सम डिस्टरबेंस इन द जेनेटिक म्यूटेशन दैट माइट कॉज जेनेटिक म्यूटेशन इन द बॉडी इन डी एन रेप्लीकेशन समथिंग लाइक दैट सो समथिंग लाइक टोबैको समथिंग लाइक अल्कोहल राइट वी ऑलरेडी हमको पता है समथिंग लाइक यूवी वी रेस हमें पता है यूवी वी रेस टोबैको अल्कोहल हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करते हैं एंड जेनेटिक म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं कैन लीड टू कैंसर राइट सो केमिकल्स बेसिकली केमिकल्स और रेडिएशन और दीज काइंड ऑफ थिंग्स सबसे कॉमन चीज जो हमारे आसपास है दैट इज योर सन धूप यस धूप इंपॉर्टेंट भी है बट इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो सो बैलेंस जरूरी है राइट इन द केस ऑफ सन बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन केस ऑफ अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड माइट नॉट नीड सो मच ऑफ अ बैलेंस बट एंड सन एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी डे थिंग जो आपके आस पास है एंड यू आर ईटिंग दैम दे माइट कॉज कैंसर इज योर प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड मीट रैदर प्रोसेस्ड मीट अपने आप में बहुत बड़ा कार्सिनोजन है इसलिए मैं तो प्रोसेस्ड मीट अवॉइड करता हूं जितना हो सके प्रोसेस्ड मीट का क्या मतलब है मतलब कि बेकन सॉसेज हॉट डॉग पेपरोनी बीफ सलामी ये सारे प्रोसेस्ड मीट है मीट से बनते हैं इसको क्या करते हैं मीट को किसी प्रकार के मीट को दे स्मोकेड देमिकल्स दे सॉल्ट डालते हैं स्मोकिंग करते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव डालते हैं एंड दीज आर ऑल प्रोसेस्ड मीट तो प्रोसेस्ड मीट इज़ bad is worse than fresh meat frozen is acceptable frozen food frozen meat चल जाता है processed food is bad all right so अगर option है तो fresh सबसे अच्छा तो fresh meat है और परफेक्टली कुक्ड होना चाहिए अनकुक्ड मीट में फिर बीमारी होने के चांसेस होते हैं अनकुक्ड मीट प्रॉपर्ली नहीं कुक्ड हो तो नहीं खाइए है ना और uh, बर्ड फ्लू के चलते अच्छे से पका के खाइए अगर खा रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट अच्छे से पका के खा सकते हैं देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेड मीट रेड मीट इंक्लूडिंग बीफ पोर्क लैम मटन गोट हॉर्स ये सारी चीजें जो है ये भी कार्सिनोजेनिक होता है इसलिए रेड मीट को भी आपको कम खाना चाहिए रेड मीट प्रोसेस्ड मीट जी हाँ दीज आर द फर्स्ट टू थर्ड वन ऑब्वियसली देखिए मैंने स्मोकिंग uh, और अल्कोहल को अलग ही रखा है अल्कोहलिक बेवरेजर और स्मोकिंग ये सबसे बड़े हैं सबसे बड़े वाले हैं जो बाहरी सबको पता है ये खराब है मतलब ख़राब है दुनिया जानती है मगर फिर भी करती है तो क्या कर सकते हैं सो दैट इज देर टबैको अल्कोहल प्रोसेस्ड मीट प्रोसेस्ड मेरे हिसाब से तो हर एक टाइप का प्रोसेस्ड फूड ही खराब है एनी प्रोसेस्ड फूड इज़ बैड राइट मिनिमम प्रोसेसिंग शुड बी देयर कुकिंग कैन बी देयर बट देन इफ यू एक्चुअली प्रिजर्व द फूड देन इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑब्वियसली इन अ क्वांटिटी विच यू ईट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी द ओनली सेफ प्रोसेस्ड और प्रिजर्वड फूड विच आई कैन थिंक ऑफ इज अचार अचार एक ऐसा है जो भाई साहब फिर भी हम थोड़ा सा ही खाते हैं इतना इतना नहीं खाते हम इतना इतना अचार खाएंगे तो वो भी खराब हो जाएगा सो इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी राइट ऑल अबाउट क्वांटिटी अगेन देन इसमें आता है बर्नड या बारबेक्यूड फ्यूड फूड जो भी जला हुआ होता है ना स्मोक्ड फूड हमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए हम बारबेक्यू खरीदेंगे और खुद बनाएंगे और ऐसी अंगार लगाएंगे और कार्बन और क्या बोलते हैं इसको कोल्टार लाएंगे और जलाएंगे भैया वो जो उसका जो बार उसमें जो स्मोकी फ्लेवर है दैट इज एक्चुअली अ कार्सिनोजेन यस यू डोंट नो इट यू नोट नो इट आई नो मुझे तो नहीं पता था मैं तो खाता हूँ ऐसे नहीं बोल रहा अब आपको पता है अब आपको पता है अब आगे सोचो राइट सो द क्वान्टिटी मैटर ऑब्वियसली वी आर हम हर बार कभी ना कभी कुछ न कुछ कार्सिनोजेनिक खा रहे हैं पी रहे हैं तो यू शुड नो कि भाई क्या बैलेंस uh, होना चाहिए येस यू आर वॉट यू ईट दैट इज ट्रू एंड यू शुड ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डोंट टेक बैड थिंग्स इन इन लार्ज क्वांटिटी राइट ऑब्वियसली इसके बाद आ जाता है आपका पल्यूशन पलूटेड एयर पॉल्यूटेड वाटर वाटर में कोई केमिकल्स है वाटर में या एयर में कोई केमिकल्स है आपका ट्रैफिक सिग्नल पे जो एयर है वो बहुत खतरनाक होती है और वो एयर आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है बट देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है अगर आप ख़ुद से ज़बरदस्ती अल्कोहल पी रहे हैं ज़बरदस्ती आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो आपकी गलती सबसे ज़्यादा है दूसरों की गलती फिर कम है भई हम बीड़ी सिगरेट पीते थे लेकिन हमें कुछ ना होना चाहिए क्योंकि उसको नहीं हुआ था ये गलत है ये नहीं होता भैया है ना ये नहीं होता कि उसको नहीं हुआ था तो मुझे क्यों हो रहा है ये हमारी गलती नहीं है भगवान से पूछिए ठीक है सो प्लीज़ डू दैट राइट एंड सो रेड मीट कभी कभी लीजिए लेना है तो प्रोसेस्ड मीट कभी मत लीजिए ले रहे हो तो याद रखिए वंस इन अ वाइल इज ओके बट दैन अगेन द क्वान्टिटी मैटर्स सो थिंग्स शुड बी इन कंट्रोल दैट इज दैट इज वॉट आई बिलीव सॉल्टेड फिश इज़ ऑल्सो समथिंग नॉट सो गुड बिग फिश बड़ी बड़ी मच्छियाँ भी उसमें भी मरक्यूरी होते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो देर एंड uh, ऐसी ही चीज़ों को अवॉइड करिए uh, प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए रदर क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ले रहे हैं बाहर का प्रोसेस्ड मीट तो कम क्वांटिटी में लें ज़्यादा नहीं दारू पी रहे हैं तो कम क्वांटिटी में पिए स्मोकिंग तो कतई बिल्कुल बंद कर दें सेकेंड हैंड स्मोकिंग का ध्यान रखें धूप लेना है तो मध्यम मध्यम धूप होनी चाहिए ख़तरनाक कड़ती धूप नहीं होनी चाहिए और डस्ट पार्टिकल्स कंटेमिनेंट्स धूप धूल मिट्टी को अंदर सांस में मत खींचिए तो मास्क पहने अगर आप ऐसी जगह पे हैं तो और उसके अलावा आ, पानी पानी को अच्छे से यू you नो know, प्यूरीफाई करके पिए अगर भाई साहब कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पानी अच्छा नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पानी टेस्ट में स्मेल में अच्छा नहीं है तो इट्स वेरी गुड और फिर ऑब्वियसली किसी प्रकार के रेडिएशन से दूर रहें मेडिकल इमेजिंग एक्सरे सी टी स्कैन धड़ाधड़ धड़ाधड़ हजार बार नहीं कराने दो चार बार करना पड़ गया दैट्स ओके बट बार बार करने से प्रॉब्लम होता है सो दैट इज देयर रेडॉन नाम की एक गैस होती है वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें वैसे तो ये नेचर में मिलती है हार्मलेस होती है मगर कई बार वो uh, <coughs> आपके इंडोर्स uh, में बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाती है कई बार सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ यू नो लंग कैंसर राइट रेड ऑन गैस ऑल दो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते जितना वेंटिलेशन हो सके उतना वेंटिलेशन रखिए अपने घर पर दैट इज वॉट यू कैन डू अब कई बार लोग ना काम वाम करते हैं तो पीपल हु आर वर्किंग इन सम काइंड ऑफ जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है या कंस्ट्रक्शन uh, वर्क होता है वह अजीब अलग चीजों की चीजें जैसे फाइबर्स हो सकते हैं आपके एयर में लिटरली माइक्रो फाइबर्स लाइक एसबेस्टोसिस एसबेस्टोस हो सकता है राइट देर कैन बी बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी छोटे मोटे कार्सिनोजेंस हो सकते हैं हवा में माइक्रो प्लास्टिक हो सकता है ये देट इज देयर सो अलॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर इंजन का एग्जॉस्ट है उसमें बेंजीन होता है बहुत ज़्यादा जो आप लिटरी अंदर ले लेते हो सो ऑल दोज आर कार्सिनोजेंस एंड वी आर एक्सपोज टू देम वी आवर चिल्ड्रन आवर डॉग्स आवर एवरी सिंगल पर्सन इज एक्सपोज टू दम सो अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ पूल ब्रीडिंग म्यूटेशन सो so, uh, देख सकते हैं आप जब वायरसेस म्यूटेट हो सकते हैं तो हमारे अंदर के सेल्स क्यों नहीं तो यस yes, कैंसर सब में बनते हैं आप में भी बनेंगे मुझ में भी बनेंगे uh, पहले भी बनते थे हजारों साल पहले भी अब भी बनते हैं अब थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द हार्श इन्वायरमेंट सो यू ट्राई टू मेनटेन द होम्योस्टैसिस इन योर इन योर सेल्फ एटलीस्ट खुद अपने हाथ से अपने पैरों पर पे कुल्हाड़ी ना मारें जितना हो सके खुद का इन्वायरमेंट सेफ रखिए दैट इज़ माई मैसेज फॉर Uh, avoiding cancer and carcinogen. Thank you so much. Please share this video as much as you can. This is Dr. Paramjeet. Stay connected, stay healthy.